संसद का मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में खूब शोर शराबा हो रहा है और सत्र के पहले तीन दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बीच खबर है कि विपक्षी गठबंधन यानी INDIA ने लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये आता है कि जब BJP के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों, आखिर इसका क्या मतलब है? इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने की कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहले तो जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। सदस्य को सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित जानकारी देनी होती है और कम से कम 50 सांसद सदस्यों को प्रस्ताव स्वीकार करना होता है। इसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता तो फिर सत्ता में मौजूद पार्टी को इस्तीफा देना होता है। आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते हैं। इससे सीधा सीधा ये समझ में आता है कि अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार के पास जरूरी आंकड़ा मौजूद नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि NDA के पास तो जरूरत से बहुत ज्यादा आंकड़ा है, तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों? असल में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर हिंसा पर बयान दें। अब सूत्रों की माने तो PM मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद ये फैसला किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा, जिसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। विपक्ष जुड़े सूत्रों का ये भी कहना है कि राज्यसभा में भी मणिपुर के विषय को लेकर सरकार को घेरने का सिलसिला जारी रहेगा। मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि विपक्ष सत्ताधारी दल पर दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद सरकार को क्या असर पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में है। अगर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आता है तो उसे फेल होना तय है। लोकसभा में मोदी सरकार बेहद मजबूत हालात में है। लोकसभा में अकेले BJP के पास 301 सांसद हैं, जबकि जरूरी आंकड़ा 272 होता है। वहीं भाजपा नीत गठबंधन यानी NDA के पास 333 सांसद हैं। विपक्ष की बात करें तो उसके पास आधे भी नहीं है। पूरे विपक्ष के पास कुल 142 लोकसभा सदस्य हैं। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के ही हैं। वोटिंग के समय दोनों पक्षों का आंकड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि कई लोकसभा सांसद सदन में मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर हम अविश्वास प्रस्ताव के नियम की बात करें तो इसे लेकर संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 118 के अंतर्गत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देश में पहले अविश्वास प्रस्ताव 1962 के युद्ध में चीन से हारने के तुरंत बाद अगस्त 1963 में कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। हालांकि प्रस्ताव फेल हो गया और प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ 15 बार ये प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि वो 15 बार फ्लोर टेस्ट में हर बार सरकार बचाने में कामयाब रही। आजादी के बाद से लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। आखिरी अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ जुलाई 2018 में लेकर थे। हालांकि ये प्रस्ताव बुरी तरह फेल हो गया था। सत्ताधारी भाजपा सरकार के समर्थन में 325 सांसदों ने वोट किया था। वहीं विपक्षी प्रस्ताव के समर्थन में 126 वोट पड़े थे जुलाई 2018 से पहले। 2003 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन NDA सरकार के खिलाफ पेश किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।